देखिए, जो अभी हमने कुछ भौतिक राशियां देखी थी, उन भौतिक राशियों में आपस में क्या होता है, संबंध होता है। तो इन संबंधों को व्यक्त करने के लिए गति के जो तीन समीकरण दिए गए हैं, उन तीन समीकरणों का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, मतलब उनका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। गति के तीन समीकरण की यदि हम बात करें, तो जो पहला समीकरण है वह क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, v बराबर u प्लस at क्या है, गति का पहला समीकरण है। दूसरे समीकरण की यदि हम बात करते हैं, तो वह दिया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या दिया है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यह है गति का दूसरा समीकरण। गति के यदि हम तीसरे समीकरण की बात करते हैं, तो वह है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यह तीन समीकरण दिए हुए हैं गति के। अब हम देखते हैं कि यह तीन समीकरण कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके पहले जाना था क्या होता है वेग, क्या होता है त्वरण, क्या होती है चाल, दूरी, विस्थापन आदि के बारे में हमने जाना था। तो अब देखिए, हम एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, उसका जो प्रारंभिक वेग है, वह प्रारंभिक वेग क्या है, u है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ठीक है, और t समय के पश्चात, उसका x समय लेते हैं हम, t समय, ठीक है, मान लो t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। t समय के पश्चात उसका वेग हो जाता है v, कितना हो जाता है इसका वेग, v हो जाता है। ठीक है, t समय के पश्चात इस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। यह हमने ग्राफ बनाया, प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है, और t समय के पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब देखिए, हमने देखा था त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम ए से प्रदर्शित कर रहे थे। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, क्या होता है, वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ। ठीक है, अब वेग में परिवर्तन यहां पर कितना हो रहा है, देखिए 30 सेकेंड के पश्चात हो रहा है, मतलब 30 समय के बाद वेग में परिवर्तन हो रहा है। इसका जो प्रारंभिक वेग है, वह प्रारंभिक वेग क्या है, यू है। अगर त्वरण इक्वल टू जो प्रारंभिक वेग है वह कितना है, यू है, और वेग में सॉरी परिवर्तन हो रहा है, तो अंतिम वेग में से हमको क्या करना है, प्रारंभिक वेग को घटाना है, तो v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में t। अब देखिए, इस t को हमको क्या लाना है, v इक्वल्स टू यू प्लस at, है ना। तो इस t का हम इंटू कर देते हैं a में, क्या हो गया, यह at इक्वल टू वी माइनस यू। अभी भी हमारा समीकरण नहीं आया है, फिर हम देखते हैं कि इस यू को क्या करते हैं, हम इक्वल्स टू के इधर ले जाते हैं, तो यह हो जाता है एटी प्लस यू इक्वल्स टू वी। ठीक है, अब हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं, बी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यह क्या हो जाता है, हमारा गति का पहला समीकरण हो जाता है। यहां पर किस किस के बीच में संबंध बताया गया है, तो वेग के बीच में और समय के बीच में संबंध बताया गया है। तो इस पहले समीकरण को क्या कहते हैं हम, वेग और समय के बीच संबंध, क्या हो जाता है, यह वेग और समय के बीच में संबंध हो जाता है। ठीक है, अगले समीकरण की यदि हम बात करें, तो अगला हमें क्या सिद्ध करना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम कैसे लाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वेग है ना, यह जो ग्राफ था, इसमें जो वस्तु थी,
हमने बनाया था कि कोई वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग क्या था, u था, और t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u था, t समय के पश्चात उसका वेग v हो गया था। मान लीजिए उसका त्वरण a है, कितना है त्वरण a है, और समय तो t हमने दिया है, ठीक है। अब देखो जो औसत वेग रहेगा, पहला वेग उसका कितना है u है, और जो अंतिम वेग है t समय बाद का वह कितना है v है। अगर हम औसत वेग निकालना चाहें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, v प्लस u, क्या हो जाएगा v प्लस u, दोनों को जोड़ के फिर उसमें दो का भाग दे देंगे, तो यह क्या हो जाएगा औसत वेग। अब हम देखें कि वस्तु कितना विस्थापित हुई है, तो कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, s से प्रदर्शित करते हैं, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, जितना समय उसने लिया है उस समय का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो v प्लस u अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। यह कुल समय का हमने गुणा कर दिया, हमें पता चल जाएगा कि कितने समय में इतने स्पीड से चल रही थी वह, तो कुल विस्थापन कितना करेगी, कितनी चलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं समीकरण एक से, जो हमने समीकरण एक सिद्ध करी थी वहां पर v का मान कितना था, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो यहां पर हम v की वैल्यू रख देते हैं u प्लस at अपॉन में 2 और प्लस में u ही रहेगा, ठीक है, इंटू टी। अब देखिए यह u और u कितने हो जाएंगे, 2u प्लस at अपॉन 2। अब यहां पर देख लेते हैं हम इस t का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, s इक्वल्स टू 2ut प्लस at स्क्वायर, इस t का इसमें करेंगे तो at स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, सेम। s इक्वल्स टू, अब इन दोनों को हम कर लेते हैं अलग अलग, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से यह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं s इक्वल्स टू, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर। अब देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था, दूसरी समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यह क्या हो गया हमारा गति का द्वितीय समीकरण। इस प्रकार से हमने गति के दो समीकरणों को सिद्ध कर दिया। अब हम देखते हैं अगला समीकरण, गति का तीसरा समीकरण किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके तीसरा समीकरण बनाएंगे, कौन सा, गति का जो तीसरा समीकरण है उसे बनाएंगे इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके। तो सबसे जो पहला समीकरण है वह क्या है, v बराबर u प्लस at, और दूसरा समीकरण है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमें s की आवश्यकता है तीसरे समीकरण में, तो हम s को ऐसा ही रहने देंगे। फिर हम देखते हैं क्या t की आवश्यकता है, यहां पर हमें t की आवश्यकता नहीं है, मतलब हम क्या करेंगे, अब इस t की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। इस t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इस t की वैल्यू निकालने के लिए हम इस u को इधर भेज देते हैं, v माइनस u इक्वल्स टू क्या हो गया at, फिर भी हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन में a, ठीक है। यहां से हम इस t की वैल्यू रख देंगे अब s वाली इक्वेशन में, ठीक है, s इक्वल्स टू u और t की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ a, और t स्क्वायर की जगह हम रख देंगे v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए s इक्वल्स टू u v माइनस u अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 a
v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। s इक्वल टू हो जाएगा uv, इस u का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 v माइनस u का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यदि हम यहां पर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, क्या हो जाएगा 2uv अपॉन में a, एक a से एक a तो कैंसिल हो गया है। अब देखिए यह जो 2 है, इस 2 को हम यहां पर लिख सकते हैं, दोनों का अब हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 2a, यहां पर एलसीएम a से a कैंसिल 2 बचा है, तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a तो कैंसिल हो जाएगा, वन बार करेंगे तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, देखिए यह 2uv से 2uv क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं, यहां देख लेते हैं s इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो ऐसा ही यह v स्क्वायर माइनस माइनस के 2 स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का u स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2a, तो यह लिख दिया हमने 2a। अभी हमारा जो समीकरण है वह सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे इस 2a का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें u का ही में चाहिए प्लस में चाहिए, तो इस u को हम इधर भेज देंगे 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। अब देखिए इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यह हो गया क्या हमारा गति का तीसरा समीकरण। इस प्रकार से हमने गति के तीनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि गति के प्रथम समीकरण की व्याख्या कीजिए, द्वितीय समीकरण की व्याख्या कीजिए, तो अब हम आसानी से इसे कर पाएंगे, ठीक है।